एनिवास, तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने पिछले एक महीने में कोई भी वीडियो नहीं अपलोड की। इसकी तुमको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सिपाहियों, ले जाओ इसे और पूरे 30 दिनों के लिए किसी टिकटॉक करके घर छोड़ाओ। माफी हो जू, माफी, अब रेगुलर अपलोड करूंगा, माफी एक बार। हेलो भाइयों और उनकी बहनों, आपका वेलकम वाला बैग है। हाँ, मुझे पता है लास्ट वीडियो मैंने एक महीने पहले अपलोड की हुई थी, बट यार अगर सच बताऊँ ना तो मैं यूट्यूब से पक चुका था। जिधर देखो बस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक ट्रेंड चल रहा था। हाल तो मैं किसी की साइड नहीं हूँ, फिर भी यार मेरी आंखें थक गई थी ये देखते देखते। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ है तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो अपलोड की जाए अबाउट द बुलिएस्ट थिंग ऑन यूट्यूब। तुम लोगों ने मिलके तो ये टिकटॉक का कचरा साफ कर दिया, बट यार ये जो यूट्यूब पे कचरे फैले हुए हैं इनका क्या हुआ। सो मैंने सोचा कि इन पर भी एक वीडियो बनाई दी जाए। यार तुम्हें अगर एक यूट्यूबर बनना है 2020 में तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं, बस मेरी थोड़ी सी ट्रिक को फॉलो करो और तुम एक अच्छे वाले यूट्यूबर बन जाओगे। ऊपर कही हुई बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यार अब सच में मत फॉलो कर लेना, टाइटल भी पढ़ लिया करो कभी कभी। सबसे पहले आते वो चैनल्स जो बिना लॉजिक के ही चलते रहते हैं, जैसे कि बिना और गाड़ी के ही पेट्रोल चलती रहती है। बिना पेट्रोल के ही गाड़ी चलती रहती है। प्रेजेंटिंग रिएक्शंस वीडियो। यार जब भी मेरे रिकमेंडेशन फीड में कोई भी रिएक्शंस वीडियो आती रहती है, मेरी ऊपर से नीचे तक बुरी तरह सुलग जाती है। हाँ वही जो तुम सोच रहे हो, पता ही बहुत होशियार हो तुम। सच बताऊँ ना, अगर तुम इनकी वीडियो पे जाओगे तो 90% ऑफ योर टाइम इनके एक्सप्रेशन नहीं बल्कि वो वीडियो देख रहे होगे जिसपे ये रिएक्शन दे रहे होंगे। तुमने नोटिस भी किया होगा कि ज्यादातर रिएक्शंस वीडियो में गर्ल्स ही रिएक्शन दे रही होती हैं, और वो ही क्यों नहीं, यही तो होती है असली ड्रामा क्वीन। क्वीन अगर इनकी जगह कोई लड़का रिएक्शन दे रहा होता तो क्या होता, जाकर उनके कमेंट्स पढ़ लो। बट लड़के कम होशियार थोड़े ही होते हैं। ना, उनके रिएक्शन में 4 चांद लगाने के लिए वो पड़ोस वाले लड़के के साथ बैठा लेते हैं। कतई हम ऑडियंस तो चूतिया ठहरे, जहाँ लड़की देखी नहीं वहीं लार टपकाते टपकाते पहुँच जाएंगे। गर्ल्स जो ये वीडियो देख रही होंगी ना, सच बता रहा हूँ इससे अच्छा जॉब की वैकेंसी नहीं मिलेगी। अभी से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, अगले एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर नहीं आए तो मैं अपना नाम बदल लूँगा। सॉरी अपना नाम बदल लेना अगर सच में नहीं आए तो। बाय द वे मेरे से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ले लो इनको कैसे रिएक्शंस वीडियो बनानी होंगी। पहली बात तो ढेर सारा मेकअप चिपका कर बैठना। दूसरा किसी बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि बीबी की वाइंस, कैरी मिनाटी, R2H पर रिएक्शन दो। उसके बाद तुम्हें कुछ करना ही नहीं, बस अपने यूट्यूब कैरियर का तमाशा देखो बस। एंड चुत कभी कभी लगता है खुद रिएक्शन वीडियो का चैनल खोल लूं, बट यार अपनी शक्ल पर भरोसा नहीं है मुझे। ए क्या मस्त जोक मारा रे, ए हंस रे अलकट। फिर आ जाओ दूसरी क्रिंजेस पे। यस, क्या आपकी गर्लफ्रेंड आपको नहीं दे रही? क्या आप 5 करोड़ नहीं कमा पा रही? क्या आपकी सास आपको डंडा करती रहती है? तो कृपया करके 5 लौंग लें और उनको तेल में डुबोकर नींबू के पिछवाड़े में घुसा दें। ये तो चीटिंग है, तुम सब हमेशा मेरे पिछवाड़े के पीछे क्यों पड़े रहते हो? लव के पिछवाड़े में घुसाओ ना, बहुत दर्द होता है। चाहे चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पे, बात तो एक ही हुई ना। क्या मतलब? तीसरी चीजें तुम्हें पता ही होंगी, जैसे टिकटॉक से सारा कचरा ले आकर यूट्यूब पर डिस्पोज कर देते हैं। मतलब तुम टिकटॉक को तो गंदा कर ही रहे हो, साथ में साथ यूट्यूब को भी गंदा करोगे। वाह भाई वाह, हद है बेंच। और आगे तुम जानते हो क्या क्या चीजें क्रिंज पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर? आगे तुम कमेंट्स करके बताओ कि कैसे कैसे वीडियोस हैं जो बिना मौसम के सदाबहार हैं। और हाँ, अगर मेरे अगले एक हफ्ते में 200 सब्सक्राइबर्स आ गए ना तो एक स्पेशल Q&A होगा आप सभी लोगों के लिए। पहुँचा दे यार और लाइक करो, पसंद आए तो, वरना डिसलाइक करो, मगर करना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।